हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 करेंगे हम मोशन एंड टाइम्स के कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? देखो, आपने मैथ्स के अंदर भी जब आप मैथ्स करते हो उसमें भी आप बार ग्राफ बनाते हो ना, तो अभी 5th, 6th, 7th, 8th सभी क्लासेस में जो है ये बार ग्राफ होता है। तो वैसे जो इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, अब बार ग्राफ इज़ आ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स। अब जो बार ग्राफ होता है ये क्या है, ये डाटा का जो है ना एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। बार ग्राफ इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले है किसका? डाटा का। और इसमें ये क्या यूज़ कर रहे हैं? बार्स को यूज़ करते हैं ऑफ डिफरेंट हाइट, यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट की जो है ना, देखो ये बार्स जो हैं इसके अंदर यूज़ की जाती है। ये एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है। जो हमारा बार ग्राफ होता है उसमें ये बार्स यूज़ की जाती हैं ग्राफिकल डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ओवर्स हैं, ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, यहाँ पे रन दे रखे हैं। ये हमारा जो होता है, ये हमारी जो लाइन होती है नीचे, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों आके जो मिलती हैं वहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है ओ। तो यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू में पता चल रहा है कि कितने ओवर्स में कितने रन बने। जैसे कि 1 ओवर में 1 रन बना, 2 ओवर्स में जो है वो 5 रन बने। तो ऐसे जो है आगे हमें बार ग्राफ के थ्रू जो है सारा बताया हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, बार ग्राफ इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार ग्राफ ऑफ डिफरेंट हाइट्स। सेकेंड हमें दे रखा ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा। मतलब कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपको देखते ही पता चल जाए, ठीक है। ग्राफ एक ऐसी चीज़ है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी चीज़ कम। जैसे आप इस ग्राफ को देख लो, जिसका जो बार सबसे ऊपर है आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो बार ऊपर है तो इट मीन्स ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा है बार ग्राफ, ठीक है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। दूसरा जो है ये है पाई चार्ट, ठीक है। अब देखो ग्राफ क्या है? ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा। डाटा का जो है बिल्कुल विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, देखते हमें पता चल जाता है। और जो टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, या लाइन ग्राफ होते हैं, और भी ग्राफ्स होते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने ही लिखे हुए हैं। और जो उसके साथ जो डिस्टेंस के लिए टाइम ग्राफ भी होता है इन अ लाइन ग्राफ। मैंने आपको ये ऊपर वाला बार ग्राफ दिखा दिया, ये पाई चार्ट दिखा दिया। देखो इसमें क्या पता चल रहा है कि इतना हिस्सा जो नाइट्रोजन है, इतना हिस्सा अदर गैसेज है, और ये हमारी ऑक्सीजन है। और ये जो ग्राफ है ये हमारा होता है लाइन ग्राफ। और दूसरा जो है ये हमारा है, ये भी हमारा जो है इसमें आएगा लाइन ग्राफ में ही हमारा ये भी जो है वो आता है। लेकिन ये किस लिए आता है? ये हमारा डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो है ना, डिस्टेंस को नापने के लिए कि कितनी दूरी कितने घंटों में तय करी है, कितने मिनटों में जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया, ये हमारा डिस्टेंस इन किलोमीटर के लिए, यानी कि ये ग्राफ जो है वो बनाया जाता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये हमारे लाइन ग्राफ में आता है, जैसे कि ऊपर देखो लिखा हुआ ना लाइन ग्राफ में, देखो लाइन ग्राफ में डिस्टेंस के लिए भी आता है, और वैसे भी हमारा लाइन ग्राफ का भी एक ग्राफ होता है। तो ये आपको सब बनाना नहीं है, सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ग्राफ इज़ अ यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा। उसके बाद थर्ड आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसकी स्पीड जो है ना, देखो इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि जिसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती, कभी स्पीड कम है कभी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहे हो तो कभी स्पीड ज़्यादा है तो कभी स्पीड कम है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन क्या होता है? The to and the fro motion of a body from its initial position to another and back from the final position to the initial position. देखो इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये हमारा जो है एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। अब इस पेंडुलम को जब आप ये वाला जो पेंडुलम है, जब आप इसको हिलाओगे, इसको मूव करोगे, तो ये पहले A पे जाएगा, A से फिर B पे जाएगा, और B से जब वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा तो इसका 1 ऑक्सीलेशन हो जाएगा, यानी कि 1 राउंड एक चक्कर इसका पूरा हो जाएगा, तो उसको 1 ऑक्सीलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीलेशन यहाँ पे यही है कि टू एंड फ्रो, यानी कि जब वो आगे पीछे जब होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। देखो हमारे हाथों में भी ऐसे ही होता है ना, हमारे हाथ आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, फिर हमारे जो है बिल्कुल जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। इनिशियल पोजीशन पे जब वापस आ जाते हैं तो वो एक ऑक्सीलेशन हो जाता है, ठीक है।
द टू एंड द फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था टू द अनदर और फिर बैक पीछे गया एंड द फाइनल पोजिशन, फिर वापस उसी पोजिशन पर जब आ जाएगा तो ऑक्सीलेशन हो जाता है। एक सिंपल पेंडुलम क्या है, यही है जो हमने यहाँ पे देखा है। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सबस्टेंडेड फ्रॉम द रिस्ट स्टैंड बाय अ थ्रेड। देखो सिंपल पेंडुलम यही होता है जिसके अंदर ये हमारा एक थ्रेड होता है, ठीक है, ये थ्रेड होता है और नीचे एक मेटेलिक बॉल भी हो सकती है, मेटेलिक भी हो सकती है, पीस ऑफ स्टोन भी हो सकता है, और उसके ऊपर जो है ना ये रिज्ड स्टैंड होता है जिसके साथ ये बंधा होता है, रिज्ड स्टैंड, ठीक है। उसके बाद स्पीड देख लेते हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो दूरी जो तय की जाती है एक पर यूनिट टाइम के अंदर उसी को स्पीड कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए क्या है, जितना जितना डिस्टेंस है और जितना टाइम लगा अगर हम उन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारी स्पीड निकल आती है। इसलिए हमें स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों का पता होना चाहिए, तभी हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस जितना भी कवर डिस्टेंस हुआ है जितने टाइम में हुआ है उसको स्पीड कहा जाता है। जो बेसिक यूनिट होता है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड ये बेसिक यूनिट है। और जो स्पीड के और भी जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे मीटर पर मिनट भी हो सकता है और किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो बेसिक है वो मीटर पर सेकेंड ही होता है। और जो दूसरे होते हैं अदर यूनिट्स वो मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, इसमें भी इस वही जो एक ऑक्सीलेशन जब हो जाता है ना, जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कम्प्लीट द वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो उसको टाइम पीरियड कहा जाता है जब ये पूरा का पूरा यहाँ से अगर जीरो ओ से स्टार्ट हुआ ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से जब पूरा फिर वापस ए पे आ गया तो एक टाइम पीरियड हो गया ये, तो इसको टाइम पीरियड कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसकी स्पीड चेंज नहीं होती। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो कॉन्स्टेंट मतलब एक ही स्पीड पे चले जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट इट्स मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म। अब यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि यूनिट ऑफ टाइम जैसे कि सेकंड को हम एस से दिखाते हैं और जो बड़ी यूनिट है जैसे कि मिनट और आवर्स, मिनट को एम आई एन से दिखाते हैं और आवर्स को एच से दिखाते हैं। तो जो बेसिक यूनिट है वो है सेकंड और जो लार्जर यूनिट टाइम्स के लिए क्या यूज़ होती है, मिनट और आवर, ठीक है। तो इसके कीवर्ड हो गया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन सर्कुलर एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। अब इसमें से मैं बता रहा है कि कौन सा जो है स्ट्रेट लाइन और कौन सा सर्कुलर और कौन सा ऑक्सीलेटरी मोशन जो है। तो सबसे पहले है हमारा फर्स्ट मोशन ऑफ योर हैंड, हमारे जो हाथ आगे पीछे चलते हैं जब हम रन करते हैं तो वो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग कार्ट स्ट्रेट रोड, अब जो घोड़े को चलाया जाता है पुल किया जाता है स्ट्रेट रोड के ऊपर तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाता है। मोशन ऑफ द चाइल्ड इज मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड क्या है, एक पोएम है ना, उसके अंदर क्या करते हैं बच्चे गोल गोल घूमते हैं तो एक सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसो, सीसो में क्या होता है ऊपर जाता है नीचे आता है फिर वापस उसी पोजीशन में आता है तो ऑक्सीलेटरी है। मोशन ऑफ द हैमर ऑफ द एन इलेक्ट्रिक बेल, अब जो इलेक्ट्रिक बेल होती है जो घर में घंटियाँ लगी होती हैं बेल्स लगी होती हैं जो इलेक्ट्रिक होती हैं, आजकल तो ज़्यादातर इस टाइप की नहीं होती लेकिन फिर भी उसमें एक छोटा सा हैमर लगा होता है, वो हैमर जब उस नीचे से इसको प्रेस करोगे या बेल को जब प्रेस करते हैं उसके स्विच से तो वो हैमर ना उस घंटे जो उसका सर्कल एक बना होता है उसके ऊपर जोर जोर से बजने लग जाता है, यानी कि आता है जाता है आता जाता है जोर जोर से, तो वो ऑक्सीलेटरी मोशन हो जाता है। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, अगर स्ट्रेट ब्रिज पे ट्रेन चल रही है तो वो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। सेकेंड देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, अब इसमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर पहला है द बेसिक यूनिट ऑफ अ टाइम इन यूनिट, अब जो बेसिक यूनिट जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम होता है ना वो सेकेंड होता है, ठीक है, सेकेंड होता है ना, हमने पढ़ा था जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जिसको हम एस से दिखाते हैं। तो ये जो है हमारा इसके अंदर बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो है वो ट्रू है, ठीक है। हमने कौन सा बताना है, नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है ना वो हमने इसमें बताना है, जो सही है वो नहीं बताना, ये तो सही है ये, ठीक है, इसलिए ये नहीं हम बताएंगे क्योंकि ये तो सही है कि बेसिक यूनिट वो सेकेंड ही होता है। अब जो सही नहीं है वो कौन से हैं, ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड, ये सही नहीं है सेंटेंस, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे हमेशा मूव नहीं कर सकता, वो कम भी हो सकता है वो ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके बाद फिफ्थ वाला भी हमारा करेक्ट नहीं है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, अब जो ट्रेन जो चलती है वो किलोमीटर पर आवर में चलती है ना कि मीटर में, मीटर में तो नहीं चलती ना ट्रेन, जब भी हम इसको
इसको देखते हैं, ट्रेन की स्पीड देखते हैं, तो वो किलोमीटर्स में देखी जाती है कि एक घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है, तो इसलिए ये भी करेक्ट सेंटेंस नहीं है। उसके बाद आ जाता है सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सिलेशन, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो एक पेंडुलम है वो 32 सेकंड ले रहा है 20 ऑक्सिलेशन करने में, यानी कि 20 बार इधर उधर जाने के लिए, अपने चक्कर पूरे करने के लिए 32 सेकंड लेता है, 22 सेकंड लेता है। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टू 20 ऑक्सिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 32 सेकंड लग रहे हैं, तो 1 ऑक्सिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 32 को 20 से हम डिवाइड कर देंगे 1.6 सेकंड, मतलब कि एक ऑक्सीलेशन को लेने के लिए यहाँ पे तो 32 सेकंड लग रहे हैं 20 ऑक्सीलेशन को लेने के लिए, तो 1 ऑक्सीलेशन यानी कि एक चक्कर को लगाने के लिए, मतलब एक बार इधर से इधर वापस अपने जगह पे फिर से आने के लिए कितना टाइम लगा, तो उसको लगेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे 1.6 सेकंड लगेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस बताया गया दो स्टेशन के बीच का, कि 240 किलोमीटर जो है दो स्टेशन के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने टाइम लगा है, 4 आवर्स लगे हैं। तो अब इसकी स्पीड बताओ, स्पीड कितनी है ट्रेन की जो 4 घंटे में 240 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। तो स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था जितना डिस्टेंस और टाइम है दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस हमें दे रखा, टाइम ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो उस ट्रेन की स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स दिस किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30, यानी कि जब घड़ी में 8:30 बज रहे थे सुबह के, तो उस टाइम पे जो कार का ऑडोमीटर था उसमें इतने किलोमीटर दिख रहा था। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव बाय द कार इफ द 8:50 AM, अब जब 8:50 AM हो गए, द ऑडोमीटर रीडिंग हैज चेंज दिस, अब उसके अंदर जो ऑडोमीटर की जो रीडिंग थी वो चेंज हो गई। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सप्रेस द स्पीड इज किलोमीटर आर। देखो अब इसके अंदर हमें स्पीड ही निकालनी है, लेकिन एक बार जो हमें स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर मिनट पर मिनट की निकालनी है, किलोमीटर पर मिनट की, और दूसरी बार जो स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आर के हिसाब से निकालनी है, ठीक है। तो दो स्पीड्स इसमें निकलेंगे, एक मिनट में एक आर में। तो 8:30 पे तो वो इतना ऑडोमीटर दिखा रहा था और 8:50 पे वो इतना दिखा रहा था। टाइम डिस्टेंस भी निकालेंगे कि दोनों के बीच में जो टाइम का कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, पहले जो ऑडोमीटर दिखा रहा था, जो बाद में दिखा रहा था और जो पहले दिखा रहा था, दोनों को माइनस कर दो, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ये आ गया कि 15 किलोमीटर जो है कार 15 किलोमीटर चल गई, यानी कि 8:30 से जब वो चलना स्टार्ट हुई कार, उसके बाद जब वो 8:50 तक चलती रही कार, तो इतने टाइम के अंदर ही उसने कार ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद टाइम टेकन, अब 8:50 के में से माइनस कर देंगे 8:30, यानी कि 20 मिनट्स, 20 मिनट हो गए, यानी कि 20 मिनट्स के अंदर जो कार ने डिस्टेंस कवर किया वो है 15 किलोमीटर। यहाँ पे हमने जो ओडोमीटर की जो रीडिंग दे रखी थी वहाँ उसको हमने माइनस किया, यहाँ पे हमें जो टाइम दे रखा है उसको माइनस किया, ठीक है, ये आ गया हमारा 15 किलोमीटर, 20 मिनट्स में 15 किलोमीटर कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब टाइम टेकन 20 आवर्स अपॉन में 60, अब 20 आवर्स क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा 20 मिनट्स है और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो कितना आ गया, 20 अपॉन में 60 को डिवाइड किया तो 1/3 आवर। 20 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 1/3 आवर, इसका मतलब 1/3 आवर के अंदर कार ने जो ट्रैवल डिस्टेंस किया वो था 15 किलोमीटर। यहाँ पे हमें मिनट्स में दे रखा था, यहाँ पे हमने इसको आवर्स में निकाल लिया, क्योंकि हमें इसको आवर्स में भी निकालना है और मिनट में भी निकालना है, दोनों में निकालने के लिए बोला ना, तो हमने यहाँ पे आवर में निकाल लिया। अब देखो स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 15 किलोमीटर, कितने मिनट में, 20 मिनट में, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट आ गया, ये हमारा मिनट में आ गया, ठीक है। अब स्पीड फिर से निकालेंगे, अब यहाँ पे हमने मिनट में निकाल ली, यहाँ पे हमने आर में, और हमारा जो फॉर्मूला है वो तो वही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, वही 15 किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम कितना है, 1/3 आवर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, 1/3 का 3/1 हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 3 = 45, यानी कि 45 किलोमीटर पर आर, ये आवर्स में आ गया, ये मिनट में आ गया, ठीक है, इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। सलमा को जो है 15 मिनट्स लगते हैं कहाँ से,
फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से स्कूल पहुंचने में जो उसके पास साइकिल है ना बाइसिकल, उसके ऊपर 15 मिनट्स लगते हैं। इफ़ द बाइसिकल हैज़ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड हाउस एंड स्कूल। अगर उसकी स्पीड साइकिल की 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसका जो डिस्टेंस है घर से लेके स्कूल का वो कितना, यानी कि हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक तो स्पीड दे रखी है, एक टाइम दे रखा, हमें डिस्टेंस निकालना है इसके अंदर। तो स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसको हम करेंगे टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने 15 मिनट लिया। अब टाइम टेकन 15 × 60 यानी कि 900 सेकेंड, मिनट्स को हमने यहाँ पे क्या करा सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया उसको जो है स्कूल से घर से स्कूल जाने में 900 सेकेंड जो है लगे, जिसका मतलब होता है 15 मिनट्स। ठीक है, अब हमें इसकी स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस निकालना है ना, तो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है तो डिस्टेंस हमारा इधर आ जाएगा। अब ये देखो ये डिवाइड हो रहा, तो ये जो स्पीड है उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड जो है टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस लिखो, स्पीड दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम लगा है वो है 900 सेकेंड। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारा 1800 मीटर। अब इसको 1800 मीटर मतलब डिस्टेंस निकलाया, हमारा डिस्टेंस कितना निकलाया 1800 मीटर निकलाया, लेकिन हमें किस में निकालना है, इसको किलोमीटर में निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम किलोमीटर में निकालेंगे। जब अगर मीटर में निकालना है तो हमारा ये आ गया, अगर हमने किलोमीटर में निकालना है इसको तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1800 डिवाइडेड बाय 1000, देखो अब 1800 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितनी जीरो है, 2 से 2 जीरो कट हो जाएंगी, अब नीचे 10 बची, तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 तो बन जाएगा 1.8 किलोमीटर। तो ये क्या बन गया हमारा 1.8 किलोमीटर, ये हमारी मीटर में आ गई डिस्टेंस आ गया, ये हमारा किलोमीटर में आ गया। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल इज 1.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। अ कार मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, अ कार पार्क ऑन अ साइड रोड। अब देखो यहाँ पर हमें जो है एक टाइम ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर एक कार जो है वो अपनी एक ही स्पीड पे चलती जा रही है और दूसरी कार जो है वो रोड की साइड पे जो पार्क की हुई है, मतलब वो चल नहीं रही, वो खड़ी हुई है, पार्क कर रखी है उसको, तो उसके ऊपर जो हमें दो ना शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे दिखाना है इस टाइप से। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ये जो टाइम ग्राफ है बनेगा, एक ग्राफ के अंदर जो देखो ये हमारा ये हमारा टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कार चल रही है वो कांस्टेंट एक ही स्पीड पे चल रही है, तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, अ कार इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, लेकिन जो कार पार्क है यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। अब जो कार पार्क है, पार्क होने की वजह से वो क्या है, वो किसके पैरेलल आ रही है, वो हमारे टाइम के पैरेलल आ रही है। टाइम के पैरेलल क्यों आ रही है, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन कार हमारी जो है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए वो टाइम बीतता जा रहा है और कार वहीं की वहीं स्टिल खड़ी हुई है, तो इसलिए वो इसके जो है वो पैरेलल रहेगी। डिस्टेंस के पैरेलल तो आ नहीं सकती क्योंकि वो डिस्टेंस तो कवर कर ही नहीं रही है, बस इतना हो रहा है कि गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, टाइम जो है वो कवर होता जा रहा है, टाइम जो है वो बीतता जा रहा है, इसलिए वो जो कार पार्क्ड है वो टाइम के पैरेलल हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। अब इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो सही है, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस इनटू टाइम करना पड़ता है, या डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ता है, या टाइम अपॉन डिस्टेंस करना पड़ता है, या वन अपॉन डिस्टेंस टू टाइम करना पड़ता है। हमने ऊपर ये बहुत बार समझ लिया है कि स्पीड अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, पर मिनट पर मीटर पर सेकेंड है, ये हमने ऊपर सीख लिया था, मीटर पर सेकेंड होती है वही स्पीड की बेसिक यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार। मीटर में ऑप्शन दे रखे हैं। अब एक गाड़ी है जो चल रही है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है कि एक घंटे में वो 40 किलोमीटर गाड़ी जो है इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। अच्छा, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीड दे रखी है अगले 15 मिनट में वो क्या करती है, 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो अपना डिस्टेंस जो है वो गाड़ी जो है वो चलती है।
तो यहाँ पे जो उसने डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस, जो दो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, टोटल बताना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहला हमारा केस है कि 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स, तो उसके लिए जो हमारा स्पीड है वो कितनी है, स्पीड जो है गाड़ी की वो है 40 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितना है 15 मिनट। तो पहले इसको हम आर में निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे ये आ गया इसका इसका 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 60, क्योंकि 15 मिनट अपॉन में 60, जो ये भी मिनट है 50 और 60 भी मिनट है, वन आवर में 60 मिनट होते हैं। इसको मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आर आ गए। टाइम कितना आ गया 40 किलोमीटर आ गया हमारा 1/4 आर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड हमें यहाँ पे दे रखी है ना इसकी, ये तो हमें निकालना है इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा इधर आ जाएगा और स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो 40 इसकी जो स्पीड थी और टाइम था 1/4, दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40, 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा इसका। ये हमारा फर्स्ट वाला केस है। 10 किलोमीटर क्या आ गया, 40 किलोमीटर पर आर का मतलब 4:15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट में जो गाड़ी चली, एक घंटे में तो 40 किलोमीटर चल रही है, लेकिन 15 मिनट्स में कितनी चली, 15 मिनट्स में गाड़ी चली है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि एक घंटे में तो वो जो कार है वो 40 किलोमीटर चल रही है, लेकिन 15 मिनट्स में कितनी चल रही है वो बताना था। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में कितनी कार चली, और जो उसकी नेक्स्ट 15 मिनट जो आगे की जो स्पीड थी वो भी हमें दे रखी है। पहले उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आ, लेकिन अगले 15 मिनट में, नेक्स्ट 15 मिनट में उसकी स्पीड भी बढ़ गई, तो उसी का डिस्टेंस बताना। तो पहले जो चली थी हमारी गाड़ी 15 मिनट, वो चली थी 10 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड जो है वो 60 किलोमीटर पर आर दे रखा, फिर से 15 मिनट का टाइम है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/4 आर हो गया। डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो 60 × 1/4 यहाँ से कट जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये होगी 15 किलोमीटर। यानी कि पहले केस में गाड़ी चली थी 10 किलोमीटर पर आर, और यहाँ पे फिर उसके बाद चली हमारी पर आर नहीं सॉरी 15 मिनट्स के अंदर। पहले केस में क्या हुआ था, 15 मिनट्स के अंदर कितनी गाड़ी चली थी, कार चली थी, जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है वहाँ पे वो 10 किलोमीटर चला, और नेक्स्ट 15 मिनट में, फिर से अगले 15 मिनट में कितना चला वो 15 किलोमीटर। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल जो कार, जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, जो गाड़ी है, उसने डिस्टेंस कवर किया 25 किलोमीटर। कितनी देर में, 15 + 15 = 30 मिनट में, आधे घंटे में उसने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25 किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार ये क्वेश्चन समझा देती हूँ ताकि आपको आगे का ये सब समझ आ जाए। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में है, हो सकता है ना समझ में आया हो। देखो, बोला गया जो कार है वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। उसकी स्पीड कितनी है कि एक घंटे में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो बताना है 15 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद हमें ये बताना है देन विद द स्पीड ऑफ 60, अब जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो अगले 15 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये तो 1 आवर का आ रहा है ना, दोनों में 15 मिनट्स का निकालना है। तो 15 मिनट्स का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और जब भी डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम इंटू स्पीड कर देते हैं, या स्पीड इंटू टाइम कह लो, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो डिस्टेंस निकल आता है। लेकिन डिस्टेंस निकालने से पहले हमारा जो 15 मिनट हमें दे रखा है, हम उसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखो, 12 है फिगर 13.15 में, हमें यहाँ पे दे रखा है, एक डिस्टेंस दिखा रखा है, टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी, विच वन ऑफ देम इज़ द मूविंग फास्ट। अब हम देखो, एक ये गाड़ी चल रही है, ये चल रही है, कौन सी फास्ट चल रही है भाई, देख के हमें पता चल रहा है ये तो, कि जो गाड़ी इससे आगे है वही फास्ट चल रही है ना। अब व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर, तो व्हीकल ए जो है वो फास्टर चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो आ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कॉन्स्टेंट। अब कौन सा है जो उसमें से नॉट कॉन्स्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस, नीचे में डिस्टेंस दे रखे हैं टाइम ग्राफ में, जो शो कर रखा है कि ट्रक जो है वो चल रहा है विद द स्पीड विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, जो मतलब लगातार एक ही स्पीड में नहीं चल रहा, वो कौन सा है। देखो यहाँ पे तो ये टाइम के बराबर आ रहा है, इसका मतलब तो ये गाड़ी चली नहीं रही है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। ये जो है कांस्टेंट स्पीड लग रही है, लगातार चल रहा है इसके अंदर, ये भी हमारी जो है यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड कौन सी नहीं है फिर, जो कर्व में है, इसका मतलब गाड़ी कभी तेज हो रही है कभी धीरे हो रही है। तो ये जो है हमारा
कर्व में जो है वही हमारा कॉन्स्टेंट स्पीड में नहीं चल रहा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।